तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऑनलाइन सेलर बनकर लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में बहुत सारी परेशानियां आपको सामने फेस करनी पड़ती है। उसकी क्या सच्चाई है इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एज ए सेलर रजिस्टर करके ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले इसकी बारीकी को जान लीजिए ताकि आपको इस काम को करने से पहले थोड़ा सा अनुभव हो जाए। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ पिछले एक साल के जो भी मैं सेलर अकाउंट के साथ में रहा और मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा और आज मीशो जैसे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहाँ पर एज ए सेलर अकाउंट आप बनाकर सेल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। पर बस इस बात को कह देने से ये बिज़नेस शुरू नहीं हो जाता है और इस बात को कह लेने से या सोच लेने से आपका प्रॉफिट आपके खाते में नहीं आ जाता है। इसकी क्या प्रोसेसिंग है और क्या दिक्कतें आपको आएंगी ये आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ता है कि अभी GST के नियमों के अनुसार कभी भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको GST नंबर चाहिए। अगर GST नंबर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर सकते। बहुत कम चीज़ें हैं जो बिना GST के आप सेल कर सकते हैं। अमूमन चीज़ें जहां पर आप प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं उसमें GST मैंडेटरी है और GST नंबर के बिना आप ऑनलाइन सेलर अकाउंट तैयार नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो आपको GST नंबर लेना होगा, कोई आपको आपके नज़दीक में कोई CA होगा उसे आपको देखना होगा और उसके पास जाकर मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो 2500 रुपया यानी कि 2500 रुपये देकर मैंने वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो जिसे मैंने सरेंडर कर दिया है कुछ दिन पहले ही। और उसका कारण क्या रहा है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले GST नंबर चाहिए जो कि आपकी जो शुरुआती लागत है वो 2500 रुपया। इसके बाद में GST नंबर लेने के बाद में आपको जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल आपको प्रिंट करने होते हैं तो उसके लिए एक प्रिंटर की ज़रूरत होती है और वो प्रिंटर होता है कम से कम 8000 से लेकर 15000 के बीच में। अगर आप कोई भी लेज़र प्रिंटर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पर उसकी रेटें चेक कर सकते हैं या ऑफलाइन में भी आप रेटें चेक कर सकते हैं। कम से कम 8000 से 15000 के बीच में ये लेज़र प्रिंटर आप लोगों को मिलता है जो कि आपके बिल जो QR कोड वाले जो बिल जनरेट होते हैं उन्हें आपको पैकिंग के समय उनके ऊपर लगाना होता है। एक फ़ाइल आपको रेडी करनी होती है जिस फाइल में आपको उन बिल की कॉपी रखनी पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि 12 महीने के 12 रिटर्न भरे जाते हैं, हर महीने का एक रिटर्न भरा जाता है। इसके साथ ही क्वार्टरली के 4 रिटर्न भरे जाते हैं और ईयरली का 1 रिटर्न भरा जाता है। यूँ करके कुल 17 रिटर्न आपको भरने होते हैं और 17 रिटर्न की अगर लागत देखें पर मंथ के हिसाब से CA 500 भी आपको चार्ज करता है। नॉमिनल चार्जेस हैं ये, कम से कम इससे कम शायद ही कोई CA आपको सर्विस दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 महीने के हिसाब से अगर 500 रुपये भी आपको चार्ज करता है तो 6000 रुपये आपके यहाँ पर बिना किसी प्रॉफिट के यहाँ पर आपको देने हैं, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप काम करना चाहते हैं और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा है तो आपको ये पैसे देने ही देने। अब आ जाते हैं गैजेट्स पर। तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप चाहिए। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के बिना आप ये काम आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों में आप प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिस्टिंग करनी है, आपका खुद का जैसे कि कोई ब्रांड जनरेट करना है उस अकाउंट पर, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से मोबाइल पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत होगी जो कि नॉमिनल आप माने कम से कम लैपटॉप तो 25000 से 30000 का खर्चा ये आपको मिल जाता है जो कि इसमें शुरुआती रेंज वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप आप खरीद सकते हैं। तो आप मान लीजिए 2500 रुपया ये और 6000 रुपया ये और ये 30 से 40000 रुपया ये हो गया। अब बात आती है
प्रोडक्ट की, हम पहले किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मैंडेटरी जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपने सब कुछ कर लिया, अब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास में पैकिंग मटेरियल होना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर कंपनी का उसके हिसाब से आपको पैकिंग मटेरियल कहीं से भी ऑनलाइन आपको मंगवाना पड़ेगा, ऑफलाइन शायद ही बहुत कम जगह पर आप लोगों को ये अवेलेबल होगा, इसलिए अधिकतर लोग ऑनलाइन ही जैसे इंडिया मार्ट है या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से ही ऑर्डर करते हैं। जिसमें पैकिंग मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर पैकिंग बैग्स होते हैं, वो बैग्स इसके साथ ही आपको खरीदने होंगे। कोई बॉक्सेस मंगवाने हैं, कोई ऐसा आइटम है जिसको बॉक्स में पैक किया जा सकता है तो उसे बॉक्सेस के साथ में आपको पैक करना होगा, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज और लग रहा है। इसमें आप प्रॉफिट की बात छोड़ो, ये आपकी लागत ही लग रही है अभी। तो बॉक्सेस हैं, इसके बाद में टेप होती है, जैसे पर्टिकुलर कंपनी फ्लिपकार्ट की टेप आती है, अमेज़ॉन की टेप आती है, सेलो टेप जो चिपकाते हैं ऊपर किसी भी बंडल को पैक करने के लिए, और फिर बबल रैप होता है, कोई ऐसा आइटम होते हैं जो जल्दी टूटने की संभावना रहती है। तो ये भी एक समस्या है जहाँ पर आपको ये पैसा लगाना ही है और ये पैक करके आपको भेजना है। अगर आप किसी कंपनी में जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न सर्विस देते हैं, खुद के फुलफिलमेंट देते हैं जहाँ पर पैकिंग और ये सारी चीज़ें वो करके देते हैं, लेकिन उसका चार्जेस उसके अंदर आपको जोड़कर दिया जाता है, यानी कि आपकी खुद की पैकेजिंग से ज़्यादा खर्चा वहाँ पर लग जाता है। तो कई सारे लोग खुद पैकिंग करते हैं और कई सारे लोग फुलफिलमेंट कंपनी से करवाते हैं। अब ये बात होगी पैकिंग की, इसके बाद में बात करते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मान लो अवेलेबल है, उनकी लिस्टिंग आप वहाँ से कॉपी करके लगा लेंगे, लेकिन कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी करवाने की ज़रूरत है। जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों में कुछ फ़ोटोज़ आपको अवेलेबल करवा देते हैं, जैसे जो भी आपको सेलर, जो भी मैन्युफैक्चरर है या कोई कंपनी वाला है या कोई होलसेलर है वो आपको दे रहा है तो वो अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप बेचना चाहते हैं जिसकी लिस्टिंग नहीं है ऑलरेडी, तो उसे आपको फ़ोटोशूट करवाना पड़ेगा किसी भी स्टूडियो के अंदर जाकर, या खुद भी करते हैं तो उसके लिए आपको एक वाइट बैकग्राउंड वाला एक बॉक्स आता है जिसमें LED लाइट लगी हुई होती है, वो आपको ख़रीदना होगा और उसके अंदर प्रोडक्ट को रखकर आपको खुद फोटोग्राफी करके उसे उस पर्टिकुलर साइज़ के अंदर आपको उसे अपडेट करना होगा। तो ये चीज़ भी आपको मैनेज करनी है। इसके बाद में बात करते हैं ब्रांड अप्रूवल की। अगर कोई जेनरिक प्रोडक्ट है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, तो बहुत सारे जैसे ट्राईपॉड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जेनरिक ब्रांड होते हैं, जिनका कोई कंपनी ब्रांड नहीं होता, आपका खुद का ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है और अप्रूवल के लिए आपको ऑनलाइन ही वहाँ पर अप्रूवल करवाना पड़ता है उसी ब्रांड के नाम से। तो वो अप्रूवल मिलने के बाद में उस ब्रांड को, उस ब्रांड नेम से आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये चीज़ भी इस प्रोसीजर में एक हिस्सा है जो आपको करनी होगी, जो ऑनलाइन होती है। इसमें कोई लागत नहीं लगती, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप कोई इसका एक मैं बता रहा हूँ कि ये एक तरह बीच का एक रास्ता है जो आपके बीच में आएगा। इसके बाद में बात आती है ब्रांड ऑथेंटिकेशन की। अगर आप कोई कंपनी का ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो ब्रांड ऑथेंटिकेशन आपको चाहिए। ब्रांड ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम कोई भी कंपनी आपको अधिकृत करती है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट मिला और आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है आपको ऑनलाइन सेलिंग में, तो वो प्रोडक्ट आपको ऑथेंटिकेशन लेटर वहाँ पर अपलोड करना होगा, अन्यथा आप बिना ऑथेंटिकेशन लेटर के किसी भी प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल ऑथेंटिकेशन लेटर भी इसलिए मैंडेटरी हो गया है क्योंकि कई सारी कंपनियों के कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और वो कॉपी प्रोडक्ट या ऑनलाइन सेलिंग पर बेचना गलत है, तो इससे आपका जो सेलर अकाउंट है वो भी बैन हो सकता है अगर कॉपी प्रोडक्ट कोई बेचता है तो। तो ये एक बात हो गई कि आपका ऑथेंटिकेशन नहीं है। और छोटी मोटी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें छोटे मोटे सेलर्स होते हैं जिनको कम मात्रा में माल चाहिए या कम मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए सेल करने के लिए, तो वहाँ पर ब्रांड ऑथेंटिकेशन की कुछ नियम और शर्तें होती है कि आप 50,000 1,00,000 का माल लेंगे तो ही हम आपको ब्रांड ऑथेंटिकेशन देंगे, या इस तरह की उनकी कुछ खुद की शर्तें होती है जिसको एक शुरुआती सेलर अफोर्ड नहीं कर पाता और ये चीज़ उसके संभव की बात नहीं है। मेरा मकसद इस बिज़नेस को नेगेटिविटी के हिसाब से दिखाना नहीं है, मैं आप लोगों को रियल जानकारी दे रहा हूँ,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानकारी आपको आगे ही ऐसी मिलती रहेंगी। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रांड ऑथेंटिकेशन के बाद में कंपटीशन की। दोस्तों कंपटीशन हर जगह है, ऑफलाइन मार्केट में कहो या ऑनलाइन मार्केट में कहो। ऑनलाइन मार्केट में कंपटीशन ऐसा है कि कोई सेलर खुद मैन्युफैक्चरर है या खुद का अपना होलसेल है, जहाँ पर दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है और आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा जो मान लो दिल्ली से माल मंगवा रहा है, दिल्ली से माल मंगवाने में उसको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ रहा है, जीएसटी ऑलरेडी सबको पे करना ही होता है, जीएसटी के साथ में वहाँ से आने वाला जो शिपिंग चार्ज है, वहाँ से जो प्रोडक्ट आता है उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो जुड़ जाता है। इसके बाद में वो लिस्टिंग करता है, इसके बाद पैकिंग करता है, पैकिंग करने के बाद में सेलर को सेलर तक पहुंचाने के लिए बीच का जो मीडिएटर होता है वो फुलफिलमेंट है, यानी कि शिपिंग का जो काम करता है, जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है उसका पर्सनल खुद करवा रहा है तो कुरियर कंपनी से करवाता है, वो चार्जेस एक्सपेंसेस में ही गिने जाते हैं। इसके बाद में अगर अमेज़ोन का है तो अमेज़ोन की फुलफिलमेंट खुद की है और उसका शिपिंग खुद का है तो उसको चार्ज देना पड़ता है। और इसके बाद में आपको कमीशन देना होता है, एज ए किसी भी कंपनी में अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उनका फिक्स कमीशन होता है, वहाँ पर सामान लिस्ट करने का या वहाँ पर किसी भी चीज़ का लंबे समय तक लिस्ट करने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसके वेयर हाउस में अगर आप प्रोडक्ट रखते हैं तो उसका चार्जेस अलग है। इसके साथ ही आप अपने घर पर रख कर किसी कंपनी के फुलफिलमेंट को करवा रहे हैं तो उसका चार्जेस अलग है। इसके बाद में जब कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट बिकने के बाद में उसका जो कमीशन है वो 15-20% अलग अलग सबका रहता है, तो वो 20% कमीशन आपको वहाँ पर काट लिया जाता है आपके जो भी आपने MRP लगा रखी है वहाँ पर उसमें से, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद में अगर देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो रिटर्न होते हैं। अब मान लो आपने रिटर्न कर दिया, किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट, तो वो आपको लेना ही है और उसमें आपको नुकसान ही होता है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि गया हुआ प्रोडक्ट में आपको जो पैसा लग जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का पैसा लेने से आप रहे, शिपिंग कुरियर का जो पैसा है वो आप लेने से रहे, तो वो कुल मिला के आपका प्रॉफिट वहाँ पे गया हुआ है, आपका प्रोडक्ट वापस आता है तो वो आपको स्वीकार करना है और वो फैसिलिटी आपको देनी है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी नहीं देते हैं तो बिक्री भी नहीं होती है, तो एक चीज़ ये हो गई। इसके साथ में आपको मैं बताऊं कि बेचने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि माल मंगवाया मैन्युफैक्चरर या कंपनी से या किसी भी होलसेलर से आपने माल मंगवाया, इसके बाद में आपके पास में स्टोर करना है उसको, इसके बाद में लिस्ट करना है आपको कंप्यूटर पे, लिस्ट करने के बाद में उसकी सारी डिटेल डालनी है, वो सारा काम आपका ही है। इसके बाद में ऑर्डर आने पर आपको उसे पैक करना है और भेजना है, ये भेजना है तो आपको खुद की फुलफिलमेंट है तो आपको पैकिंग करके उस को कोरियर के माध्यम से वहाँ पहुँचाना है। अब कोरियर तक पहुँचे इसके बाद में रिटर्न का भी मामला है, तो अधिकतर लोग कंपनी की फुलफिलमेंट यूज़ करते हैं जिसमें उन्हें दिक्कत नहीं आती है और सेलर पर भरोसा भी करते हैं कस्टमर, अगर फुलफिलमेंट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की खुद की होती है तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब अगर वहाँ से अपन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट में मार्जिन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब सारी चीज़ें मैं बताऊं कि GST के साथ में किसी प्रोडक्ट की कीमत के साथ GST आपको पे करना है, GST कस्टमर से हम लेंगे लेकिन GST आपको एक बार पे करना है, इसके बाद में उसका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो आपको वहन करना है जो आप तक पहुंचता है वो प्रोडक्ट, और इसके बाद में शिपिंग का चार्जेस आपको वहन करना है, इसके बाद में जो भी कंपनी का कमीशन है वो आपको वहन करना है, इसके बाद में आप प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। अब बता दो कोई भी 100 रुपये की कीमत की चीज़ है उस पर आप ये सारी चीज़ें जोड़ें तो निश्चित रूप से ये 150-200 रुपये की हो जाएगी, और जब इसे ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करता है कस्टमर तो वो सोचता है कि ऑनलाइन पर महंगा है जबकि ऑफलाइन में सस्ता है, तो वो सोचेगा कि मैं ऑनलाइन मंगवाने की वजह से बजाय यहाँ ऑफलाइन मार्केट से ख़रीद लूँ, तब आपकी लिस्टिंग वहाँ पर खड़ी की खड़ी रह जाती है और आप सोचते हैं प्रोडक्ट के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और आप ये भी नहीं सोच पाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम कर देते हैं कि आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलता है, तब जाकर कुछ ऑर्डर आते हैं और वो माल आपका निकल पाता है, तो दिक्कत किसकी है? दिक्कत आपकी है, जो सेलर है उसकी है। कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है, सरकार अपना GST कमा रही है, कस्टमर अपना प्रोडक्ट ले रहा है, लेकिन नुकसान आपका ही है। इसके बाद में
बाजार की कीमतों से निश्चित रूप से ऑनलाइन की कीमतें ज़्यादा होने का कारण ये हो जाता है क्योंकि उसमें कॉस्टिंग जुड़ जाती है, शिपिंग की कॉस्टिंग जुड़ जाती है और सारी चीज़ें जुड़ जाती है। तो बहुत कम कस्टमर होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट में। इसके बाद में आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सेलर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होता है जब आपको उसकी क्वांटिटी अगर डिमांड आने लगती है तो उसकी क्वांटिटी आपके पास में होनी चाहिए। मान लो आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं और 10 मान लो स्टोर में स्टॉक में ख़त्म हो गए। जब आप उस व्यक्ति से जहाँ से मान लो दिल्ली से मंगवा रहे हैं, बॉम्बे से मंगवा रहे हैं, कहीं से भी माल को मंगवा रहे हैं तो वहाँ से आने में उसको समय लगता है। समय के लगने के साथ साथ उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा, अगर कम मंगवाते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट खर्चा आपको आता है, अगर ज़्यादा मंगवाते हैं तो फिर आपके पास में माल फंस जाता है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि माल अगर आपके पास में ज़्यादा हो गया और उस प्रोडक्ट का ट्रेंड ख़त्म हो गया तो आपके पास में वो पड़ा के पड़ा रह जाएगा और वो पैसा आपका वहीं फंस जाना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसके बाद में अगर देखें तो ऑनलाइन या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए अच्छा है? जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनका खुद का प्रोडक्ट है और वो कोई वो प्रोडक्ट उस तरह का प्रोडक्ट, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है, तो आप ऑनलाइन सेलिंग में इस चीज़ को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर ब्रांड से या किसी अदर मैन्युफैक्चरर से माल लाते हैं या उससे लाकर बेचते हैं तो वो थोड़ा सा आपके साथ में महंगे वाला सौदा हो जाता है और आप प्रॉफिट ज़रूर कमाएंगे लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि आप सोचेंगे कि इसकी हमाली ज़्यादा है और कमाई बहुत कम है। तो इस बर्डन के साथ में जीने से अच्छा है कि आप अपना खुद का ऑफलाइन बिजनेस शुरू करें और ऑफलाइन के साथ में अगर ऑनलाइन शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस के साथ में आप ऑनलाइन शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक जाए, कुछ प्रोडक्ट आपके ऑफलाइन बिक जाए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन में ही सब कुछ कर सकता हूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मेहनत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में मैंने ये कुल मिला के नतीजा ये निकाला है कि मेरी खुद के मैंने सेलर अकाउंट बंद करने का, मेरा GST सरेंडर करने का कारण यही रहा कि किसी भी प्रोडक्ट को मिलाया जिसे मैंने उसी कीमत पर बेचकर वहां का वो जो स्टॉक है वो ख़त्म किया। और ख़ास करके ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढकर लाना और उसको लिस्ट करके उस कैटेगरी में आपको रैंक करवाने के बाद में उस चीज़ को आपको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आप सोच समझ कर करें, थोड़ा सा आप मार्केट रिसर्च कीजिए, आपके लोकल में अवेलेबल प्रोडक्ट को आप चॉइस कीजिए, इसके बाद ही अगर आप चाहते हैं तो इसको शुरू करें। तो ये थी लगभग सारी जानकारी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग में क्या चीज़ होती है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की वेबसाइट या खुद का ऐप बनाकर बेचना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, आपको इससे संबंधित जानकारी मिलेगी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे कमाया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा, और उससे संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए हमने एफिलिएट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं उससे संबंधित। और उससे संबंधित आपके कोई सवाल है तो हम कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित अगर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और यह लगभग सारी जानकारी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, वीडियो को लाइक कर दी।